हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और इस टेक्नोलॉजी के रेस में कहीं आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए हम लेकर हाजिर हैं एक नए वीडियो। और इस नए वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए देखिए, आप कभी भी किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको क्रोम ब्राउज़र में जा करके ओपन करना पड़ता है। लेकिन क्या दोस्तों, आप ऐसा हो कि आप किसी फेवरेट वेबसाइट को, जिसके आपका फेवरेट वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि उसका आइकन मेरे मोबाइल के स्क्रीन के होम स्क्रीन पे आ जाए और मैं वहीं से उस आइकन के थ्रू ही डायरेक्ट अपने वेबसाइट को खोल लूं, तो ये पॉसिबल है इस टेक्नोलॉजी के दौर में। और आप आसानी से उसे खोल सकते हैं वहीं से, बिना आपको क्रोम ब्राउजर यूज किए हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें होंगी विदाउट कोई ऐप इंस्टॉलेशन के। तो दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप इसमें लाइव दिखाऊंगा। आप पूरी वीडियो को देख लीजिए, वीडियो बहुत शॉर्ट है लेकिन आपको जानकारी बहुत ही अच्छी मिलेगी। जब कभी भी आप सर्च करते हैं, अपनी साइट को खोलना चाहते हैं, तो आपको क्रोम में जाना पड़ता है। लेकिन अब आप क्रोम में नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट अपने मोबाइल के स्क्रीन से डायरेक्ट अपने फेवरेट वेबसाइट में चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखने के लिए दोस्तों, आपको लाइव दिखाने के लिए मैं लेके चलूंगा अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो चलिए जान लेते हैं और चलिए हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे, और मैं वहां आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कैसे कर। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप उसको आइकन को लाएंगे अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, मेरा सबसे मोबाइल का स्क्रीन कास्ट हो रहा है मेरे लैपटॉप के ऊपर। आप भी चाहें तो इसे अपने कर सकते हैं, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, चाहे तो आप उस वीडियो को देख लेंगे कंप्लीट। उसमें मैंने बताया है कि कैसे कैसे आप करेंगे तो आपका भी स्क्रीन कास्ट हो जाएगा आपके लैपटॉप के ऊपर। खैर, अब हम चलते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं कि अपने फेवरेट वेबसाइट को आप इस होम आइकन पे यहाँ पे कैसे लाएंगे आप अपने फेवरेट वेबसाइट को, और वहां से ही आपको एक्सेस करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप चले जाइए, गूगल क्रोम खोलना होगा आपको। तो देखिए, यहाँ से मैं इसे गूगल क्रोम को खोलता हूँ। ये देखिए, गूगल क्रोम को मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। और जिस भी वेबसाइट को आपको स्क्रीन पे लाना है, होम स्क्रीन पे, वहाँ पे इसमें उस वेबसाइट को आपको सबसे पहले खोलना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ इस वेबसाइट को। चलिए, तो इस वेबसाइट को पहले आपको एक वन टाइम यहाँ पे खोलना होगा। अब खुल जाने दीजिए इस वेबसाइट को। देखिए, ये वेबसाइट खुल गई आपके सामने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये जो थ्री डॉट्स दिख रहा है यहाँ पे आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन होगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ ऐड टू होम स्क्रीन, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और बस यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया। अब आपको इसको नाम भी चाहे तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जो जिस नाम से आप करेंगे वही नाम वहां पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे बस इसको आपको ऐड करना है। अब देखिए, नीचे में मैसेज आ गया यहाँ पे कि शॉर्ट आइकन क्रिएटेड हो गया है। और देखते हैं चल के अब हमारे होम स्क्रीन पे क्या शॉर्ट आइकन क्रिएट हुआ है। तो बैक हो रहे हैं हम, और बैक होकर के आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पे आया है या शॉर्ट आइकन। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट आइकन ऑलरेडी अब बन के आ गया है हमारे होम के स्क्रीन पे। आप देखिए, इसको कहीं पे भी मूव कीजिएगा, देखिए ये शॉर्ट आइकन बन चुका है। अब दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो आपको गूगल क्रोम में जाने की जरूरत नहीं होगी। आप यहीं से, आपके सामने मैं लाइव एक्सेस करके दिखाता हूं। देखिए, आप यहीं से वेबसाइट खुलेगी। अब आपको देखिए, यहीं से वेबसाइट खुल गई। आप चाहें तो यहां से मैं दूसरे पेज में जाके दिखाता हूं वेबसाइट के। ये ब्लॉग सेक्शन में हम चलते हैं, ब्लॉग सेक्शन में आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना स्मूथली आप ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे। देखिए, ये ब्लॉग सेक्शन खुल चुका है और यहाँ पे आप जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, जो भी चाहें पढ़ सकते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट टाइम में अब क्रोम को खोलने की जरूरत नहीं है, आपको फेवरेट वेबसाइट यहीं से आइकन से ही खुल जाएगी। ये तो रहा दोस्तों कि आपने ऐड कर लिया, लेकिन अब कभी आप चाहें इसको डिलीट करना, इसको हटाना, तो आप कैसे हटाएंगे वो चलिए देखते हैं। तो चलिए अभी बैक खोल लेते हैं हम यहाँ से। और दोस्तों, यहाँ पे अब इसको हटाना है तो आपको क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे प्रेस करना होगा। थोड़ा मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए
प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये आइकन डिलीट का बन के आ गया है, इस पे जस्ट क्लिक कर दीजिए ये डिलीट वाले पे। देखिए आपके सामने ये गायब हो गया, अब इस तरह से ये हट चुका है, अब कभी भी हमारे स्क्रीन पे ये दिखेगा नहीं। चलिए मैं आपको स्क्रीन का पूरा खोल के दिखाता हूँ, देखिए कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, वो गायब हो चुका है। ये तो रहा दोस्तों इसको हटाने का और ऐड करने का। अगर आप चाहें तो अपने मन चाहे साइट को भी इसमें नाम दे सकते हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि गूगल को ही मैं कोई अपना नाम से इसको बना लूं तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपके सामने दिखाता हूं कोई इसको करके, आप देखिए इसमें कितने सारे फीचर्स आ चुके हैं। मैं गूगल को पहले यहां पे google.com कर लीजिए, देखिए आपके सामने मैंने कर दिया google.com। अब यहां पे फिर जाइए थ्री डॉट्स के ऊपर फिर इसको कीजिए ऐड टू होम स्क्रीन, और यहाँ पे अपना नाम कुछ भी दे दीजिए, आप मान लीजिए राम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा अभी, इसको देखिए इसके हटा के मैं आपको यहाँ पे नाम लिख के थोड़ा दिखाता हूँ, RAM राम। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इसको, ठीक है, देखिए ये ऐड हो चुका है। और मैं आपको स्क्रीन पे ले चल के फिर वापस दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए होम, देखिए ये गूगल राम नाम से यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपको कभी भी आप अपने नाम से बना सकते हैं, यहाँ से खोलिएगा तो डायरेक्ट आप यहाँ से यही खुलेगा। तो दोस्तों ये था ट्रिक, और ऐसे कोई भी नाम और किसी भी वेबसाइट को, जो भी वेबसाइट आपकी फेवरेट है, आप उसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको ट्रिक्स और ट्रिप्स, आप मुझे बताइए कमेंट्स करके। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस तरह का वीडियो मैं कंटिन्यू डाल रहा हूँ, इसलिए इस तरह के नॉलेज जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे नॉलेज के साथ। थैंक यू, गुड नाइट, सब्बा खैर।